यस, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए। आपका जो एग्जाम है, आपके पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, यू कैन कीप एंड यू कैन राइट डाउन योर आंसर की आल्सो साइड बाय साइड, ठीक है? और कोई भी डाउट होगा इमीडिएटली रेज योर हैंड, एंड बाकी ऑफलाइन स्टूडेंट्स मैं इनसे आंसर खुद पूछ रही हूँ वन बाय वन, ठीक है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस, लाइन वाइज आपका क्वेश्चन होगा, चाहे आपका सेट ए है या बी है, मैं आपको ऑप्शन बोलूंगी, यू कैन गिव द आंसर, ठीक है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टाइल, टाइल क्या था बेटा? मैं आपको ऑप्शन, एक मिनट मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। एन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, व्हाट शुड, डायरेक्ट टैक्स मींस फर्स्ट का जो ऑप्शन है दैट इज बी, ठीक है? हाँ जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टाइल, टाइल क्या था? डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है? सेकंड, व्हाट डिड द रेड कैप वॉर्न बाय सेंट क्यूलट्स इन फ्रांस सिंबलाइज, इज इट लिबर्टी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी और लव? लिबर्टी, ओके, वेरी गुड। सेकंड का जो आंसर है दैट इज ए, राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है? देन थर्ड, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। एक लाइन दी गई थी आपको, उसके ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। नंबर वन, यहाँ पे वर्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इज इट फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इज इट वुमेन शुड नॉट बी गिवन राइट टू वोट? इज इट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर विद पीपल? और इज इट ईच सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू? वैल्यू वाला जो है दैट इज ए, ये ए है, ठीक है? थर्ड का ए, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। बच्चे ये है थर्ड का ए, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? महात्मा गांधी। फोर्थ का ए, कल 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बच्चे आपको मैच द कॉलम्स का करेक्ट जो है वो ऑर्डर फाइंड आउट करना था। नेपोलियन क्राउंड इन विच ईयर? हाँ जी, संस्करण इज इट 1793, 1791 और 1804? नेपोलियन बिकेम डिक्टेटर इन विच ईयर? इज इट 1793, 1791 और 1804? वेरी गुड, 1804। तो आपका ए ऑप्शन विद थर्ड, जो थर्ड ऑप्शन है ऑटोमेटिकली बी और डी में से चॉइस बनती है अब आपकी। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16, कब उसको एग्जीक्यूट किया गया? इज इट 1793 और 1791? 1793, तो बी ऑप्शन विद वन, बी ऑप्शन विद वन, ठीक है? तो आपका मार्क होगा इसमें 10th का राइट आंसर इज बी, 10th क्वेश्चन राइट आंसर इज बी, ठीक है? द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ठीक है? एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, ज़ेनू पीएफ इज द पार्टी ऑफ विच कंट्री? मैक्सिको, जिम्बाब्वे और चाइना? कम्युनिस्ट पार्टी, पीआरआई, मैक्सिको। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, 11th का राइट ऑप्शन है सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजनिंग। हाँ जी बेटा, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड मस्ट हैव द सेम स्टेटस एज अ रिच एंड द एजुकेटेड इन डेमोक्रेसी। और हाँ, ए ए ऑप्शन होगा बच्चे, बोथ आर ट्रू
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका राइट आंसर क्या था, ए, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट. Assertion is India is republic and reason is people have supreme right to make decision on internal as well as external. इसका B है, बैठो. B क्यों है? इसका B आएगा. Assertion is true. Yes. And reason is not the correct explanation. Republic में आना चाहिए था. Republic में क्या आना चाहिए था? Head of the country. तो दैट इज, तभी तो कह रहे हैं दैट इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपब्लिक. बच्चे हमने जो इंडिया इज अ रिपब्लिक दिया ना, हमने उसका रीजन देखना है कि ऊपर दिया इंडिया इज अ रिपब्लिक. नीचे रीजन, रीजन जो है वो स्टेटमेंट तो अपने आप में ट्रू है, रीजन तो अपने आप में ट्रू है ना, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपब्लिक. It is not the correct explanation of republic. वो बाद में हम discuss करते हैं. बाद में discuss करते हैं. वो sovereign होता है बच्चे. यहाँ पे sovereign होना चाहिए. हाँ जी. Next है. The members of the first two states enjoyed certain privileges by birth. They were respected by the society. They were respected by the society. इसका ऑप्शन है सी. बट दे हेटेड देम ना, बिकॉज दे वर बर्डन, ओवर बर्डन, दे वर ओवर बर्डन. वो नॉबल्स है इसमें. फर्स्ट टू फर्स्ट में क्लर्जी भी आता है चर्च. देवर कौन? अब देवर तब आता ना अगर वो सिर्फ नॉबल्स का होता तो, सेकंड एस्टेट होता तो. ठीक है, 16 का सी ऑप्शन विल बी राइट बेटा. 16 का सी ऑप्शन विल बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिसन, वो रिस्पेक्ट करते थे सिर्फ नॉबल्स की, चर्च पीपल की नहीं करते, क्योंकि चर्च पीपल तो उनसे टैक्स लेते थे. आप रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, दे रिस्पेक्टेड देयर नॉबल्स, सेकंड एस्टेट. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट्स, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड. दे डिडंट रिस्पेक्ट फॉर चर्च पीपल बिकॉज दे एक्सेप्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस टैक्स टाइथ. ठीक है बेटा. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, इसके बाद 30th क्वेश्चन है ना बेटा. ओके, हाँ जी. ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था आपका. व्हाई डिड लुई 16 वांटेड टू लेवी न्यू टैक्सेस? हाँ जी, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ऑप्शन इज बी. ठीक है, नेक्स्ट. लवण्या, इनटू हाउ मेनी स्टेट वाज़ द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड? 3. नेक्स्ट गुरपाल, Which state bore the burden of taxes? 3rd. Anji Jia, which of the following was one of the major demand of the member of the third estate? Is it to end war? Is it to one estate, one vote? Is it one person, one vote? Or is it to abolish censorship? One person, one vote. Kyunki assembly jab hui thi, us assembly mein unka main agenda kya tha? They wanted to change voting criteria. Theek hai? Anji, next is, People of which state walk out from the meeting? 3rd estate. Next, South Africa was denounced by the entire world till 1994 because of apartheid policy. Very good. Next, which of the following point proves that the South Africa was an undemocratic country? A option, people were divided on the basis of skin and color. Ek minute, haan ji, bachcho ke name batana kin kin ke likhe. गुरपाल, गुरपाल, तुषार एंड जसकरण. हाँ जी,
Next question, wait, next question. Which of the following features of the South African constitution inspires Democrats all over the world? Options are South Africa is the last nation to have a written constitution. It speaks only of past. It has the finest constitution in the world, or blacks were not given government jobs. Yes, C option is the right. It has finest constitution in the world. 38. Which of the following discriminatory law was abolished by the South African government after 1994? Apartheid. Okay, next question. Dave is a student of 9th B class. He is preparing his assignment. According to order, you have to find out. India became republic. South Africa became a republic. Constituent Assembly was set up in India. And constitution was adopted by Constituent Assembly of India. Pehle iske year mention karne the aapne. India became republic 1950. South Africa became republic 1994. Constituent Assembly set up 1946. Constitution was adopted by the Assembly of India 49. So iska right option banega B. B option. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज सीक्वेंस का क्वेश्चन है बच्चे. ये अगर आपके पास सेट है तो इसका राइट आंसर बताओ. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चे. इसका राइट ऑप्शन है बी. बी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले लुईस 16 बिकेम द रूलर. कौन सा ईयर? 1774. देन उसके बाद सेकेंड मीटिंग ऑफ ए स्टेट जनरल हुई. देन थर्ड रिवोल्ट ऑफ, फिर रिवोल्ट मीटिंग के बाद ही रिवोल्ट हुआ ना. देन फर्स्ट राइन ऑफ टेरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सिविल लिबर्टीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इनस्टेबिलिटी बिकॉज लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग. इनस्टेबिलिटी. आज का लेटेस्ट देख ही रहे हो आप. सीएम चेंज हुए, फिर क्या हुआ? रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन है ना. ये है एग्जांपल ऑफ इनस्टेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैरी एंटोनियो बिलोंग टू विच कंट्री? ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया. वेरी गुड. बॉर्दे एंड नांते पोर्ट्स फ्रॉम विच कंट्री? फ्रांस. नेक्स्ट. ब्रोकन चेन सिंबलाइज. Broken chain symbolize beginning of new era, act of becoming free, eternity or royal order. Broken chain का मतलब ही हम आजाद हो गए, ना? Act of becoming free. Who framed the draft of Constitution 1928? Motilal Nehru. Yes. हाँ जी. Next है बेटा set B. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट रिगार्डिंग सेट ए? हाँ जी, सेट बी स्टूडेंट्स आपकी होगी. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक. हु रोट द इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? एबेसिए, रूसो, मिराबियो एंड वॉल्टेयर. एबेसिए. यस. हु व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ सैन क्यूलर्ट्स? क्या नाम है इसका? हृदय. हाँ जी, स्टैंड अप. What was the literal meaning of sans-culottes? Female figure of liberty, aristocrats, those who wear the red, or those without knee breeches? पूरा बोलो ना, आंसर बोलो. Those without knee breeches. इसका राइट ऑप्शन है ए. हाँ जी, जसकरण. In which of the following countries Russian minority find it difficult to get the right to vote? Saudi Arabia, Pakistan, India or Estonia? It is Estonia, beta. Estonia, beta. Hanji, next. Which one of the following guiding values of the Constitution of India means that people have the supreme right to make decision? Is it secular, fraternity, republic or sovereign? Sovereign. Sit down. Hanji, which set you have?
B. Okay, what is the right answer of question number 10? It is D beta. A. Louis ascended the throne in 1774. Storming of Bastille 1789. Then Napoleon was defeated 1815. So right option is D. Then question number 11. You have been said. Okay, sit down. Socialist ka meaning hota hai no gap between rich and poor. Democratic ka meaning hai rulers are elected by the people. Fraternity ka matlab hai brotherhood. So iska right option jo hai that is B. Theek hai? Assertion. Question number 14. China is not considered as true democratic nation. Opposition parties and press are not free to criticize the government. And iska A option. Okay? Then question number 15. Apartheid was an oppressive system. It divided the people and labeled them on the basis of their skin color. A option. Next question, reasoning ka. The period from 1793 to 1794 is referred as the Reign of Terror. Member of Jacobin Club belonged to the less prosperous society. इसका B है, ठीक है? इसमें आपने क्या बताना है कि both are true, but जो reason है that is not the correct explanation of A. Next है question number ये आपका geography का है. Next is 30th question. Which of the following is true with respect to tithe? It was a tax levied by the church on the farmers. It was a tax levied by the church. Levied by the church जो है वो right option है. Second में पूछा गया है 1/6 of the agriculture produce had to be given. क्या ये 1/10 था इसलिए wrong है. It was collected by noble. ये भी wrong है क्योंकि ये कौन collect करते थे? Church. It was collected by king. ये भी wrong है क्योंकि कौन collect करते थे? Church people. ठीक है. 31st question. Third estate consisted of D. Farmers and merchants. The extract is related to बहुत easy था French Revolution. Who were not exempted from the burden of tax? किसको exemption नहीं मिली थी? Third estate. On which commodities people of third estate had to pay indirect tax? Tobacco and salt. Which of the following is a democratic feature of elections in China? China का feature जो है वो क्या है? Elections are regularly held after 5 years. Some members of the NPC are elected by the army. It is a non-democratic nature. India's election are different from those to China. Which of the following is true? अब ये इसका A option is correct. A option ध्यान से सुनो. In India, all political parties are free to contest elections, whereas in China, only the Chinese Communist Party or 8 allied parties can contest in the elections. Ye main jo hai wo kya hai different hai. India's elections are different from China. Charo options mein se A option jo hai wo right tha iska. Next question. From whom candidate in China have to take permission? Communist Party. You is a student of 9th A preparing assignment. Isko order mein karna tha. Iska B option is the right. Kaise? Number one. Sabse pehle, Dr. B.R. Ambedkar became the chairman of the drafting committee. Then, uske baad, Pandit Nehru became the Prime Minister of India. Then African National Congress was formed and Nelson Mandela was released from the jail. It means, yes, listen. It means chapters mein jo simultaneously events chal rahi hoti hain, un events ko mix and match karke bhi aapko serial order ke according questions aa sakte hain. Lekin ye tabhi aap usko right tick kar sakte ho jab aap un events ki dates aapko achhi tarah se yaad ho ki kaun si event pehle hui thi, kaun si event baad mein hui. Theek hai? Write in serial order. Serial order means सबसे पहले A option will be the right. Bastille पे attack हुआ, उसके बाद Louis 16th was
एग्जीक्यूटेड, देन राइन ऑफ टेरर, और उसके बाद डायरेक्टरी रूल. तो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की इवेंट, जब भी आपने चैप्टर प्रिपेयर करना ना, इवेंट वाइज जो है डेट वाइज लर्न करो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सीक्वेंस में अरेंज करने में प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सी ऑप्शन. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज पैलेस ऑफ लुई 16? विंटर पैलेस, बकिंगम. बकिंगम पैलेस किसका है? क्वीन ऑफ इंग्लैंड. हॉल ऑफ मिरर्स और वर्साय, पैलेस ऑफ वर्साय. ठीक है. Which were the French ports? Caribbean, New Jersey, Adelaide and Bordeaux. Adelaide पता कहाँ पे है? कहाँ पे है? Adelaide, Australia. Adelaide is in Australia. Caribbean है North America and South America. New Jersey. New Jersey. USA. Red cap symbolize liberty. One of the following who was not a women member of Constituent Assembly? Durga Bhai Deshmukh. Durga Bhai Deshmukh. आपने ये क्यों नहीं आता था? Listen, प्रतिभा पाटिल तो recent president है, वो कैसे हो सकती है? इंदिरा गांधी. Then अहिल्याबाई का तो आपने 17-18 सेंचुरी उससे भी पहले का सुना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए था. विच वन ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आपका ज्योग्राफी का है. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? हाँ जी, ध्वनि, गरिमा, ईशानी, निवेदिता, नवनूर, अनंदिता, चैतन्य, 9C, गुलीन, कृष्णा, तनवीन, नो डाउट.